क्या है, क्यों रोना बताएं, क्या है, क्यों रोना बताएं, क्या है, क्या है, क्यों रोना बताएं, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैर से होंगे और अल्लाह के फजल और करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं, भाई हैं, दुख और तकलीफ़ में हैं, तो अल्लाह ताला उन सब की जो है दुख और तकलीफ़ दूर करे। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो मैं आज आपको क्या बताऊँ कि जब मेरे भाई आए तो ये रोने लगे तो मैं खुद ही डर गई और मैं हैरान हो गई कि इसको क्या हो गया है। जब ये आए घर में तो मैंने कहा कि भाई आपको क्या हो गया है, आप रोने लगे हैं। लेकिन ये कहने लगा है जो मेरी मोटरसाइकिल थी तो वो चोरी हो गई है। तो मैंने भाई से पूछा कि किसी ने चुरा ली है, तो भाई आगे आपको बताते हैं। तो किसने चुरा ली है। प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें और भाई खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, मैं सीरियसली वाकई में ना जब वहाँ से आया हूँ तो काफ़ी ज़्यादा उदास था और मेरी आंखों में ना आंसू थे। तो आप ही ने जैसे मुझे देखा मैं आप ही सब ने तो वो पूछने लगी क्या हुआ, क्या है, क्या हुआ है आपको, क्यों आप इस तरह रो क्यों रहे हो। तो मैं अब हिम्मत ही नहीं थी कि मैं क्या बताऊँ क्या हुआ है मेरे साथ। तो असल में कल मैं शाम को गया था छोटी आपी की ना थोड़ा सा उनके मैदे में इंजर हुआ है, ज़ख़म हुआ है, तो उसकी मैं दवाई वगैरह लेने के लिए गया था लेकिन मेडिकल स्टोर नहीं ओपन थे। सुबह सुबह मैं गया हूँ तो मैंने कहा चलें जाता हूँ और जो है उनके लिए दवाई जो मेडिसिन डॉक्टर ने बताई है वो ले आता हूँ। तो यहाँ से नहीं मिल रही थी, थोड़ा आगे एक मेडिकल स्टोर था, मैं वहाँ पर पहुँचाऊँ। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने मोटरसाइकिल बाहर खड़ी की है तो अंदर चला गया हूँ। अंदर जा के मैंने वो गोलियां ली हैं, टैबलेट वगैरह जो लिखी ऐसे वो मैं लेने गया हूँ। तो बाहर मैं जब ले के निकला हूँ तो मेरी बाइक नहीं थी और एक तो मैं पहले आप ही की परेशानी थी और फिर ऊपर से ये मेरे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किसको कहूँ, किसको कंप्लेन दूँ, क्या करूँ, किधर जाऊँ। तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया उस टाइम और मेरी ना उसी टाइम मैं जो है रोने लगा और इधर उधर पूछा बंदों से, यार यहाँ मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी, किसी ने देखा है, किसी ने उसको लेते हुए देखा है तो आप प्लीज़ बता दें। लेकिन हर कोई आजकल के दौर में अपने कामों में गुम होता है तो उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं पता, आपकी मोटरसाइकिल है तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं वहाँ से इधर उधर ढूँढते घर आ गया हूँ। घर आने के बाद यहाँ पर मेरी आँखों में मैं पूरे रास्ते में ना बिल्कुल जो है वो ऐसे रोते हुए आया हूँ। तो घर पहुँचा हूँ, घर पहुँचने के बाद मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे मोटरसाइकिल मैंने बाहर खड़ी की थी तो वो अब नहीं है, तो पता नहीं किधर गई है। तो इन्होंने पहले तो मतलब इन्होंने कहा है कि आप किधर थे, आपको होश नहीं था, ये था वो था। तो मैंने कहा पता नहीं है, अब तो पहले तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो फिर आज ये कैसे हो गया है, तो मैं खुद हैरान हूँ। तो मैंने इन सब ने कहा है कि किसी आपके दोस्तों वगैरह ने ना मजाक की होगी। तो उसके बाद जो है फिर मैं आ गया हूँ घर और फिर जो है मैं काफ़ी उदास था। यकीन जाने मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत अरसा इस मोटरसाइकिल के पैसे इकट्ठे करके ये मोटरसाइकिल ली है, ठीक है, और ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मुस्तकीम मैं रोता था और मुस्तकीम जो है वो हंसता था। अभी भी कह रहा है कि मामू कैसे रोते थे। तो ये ना हंसता था क्योंकि ये कहता था कि आप मुझे खिलौने नहीं ला के देते हो तो आपके साथ ठीक हुआ है, अब आपकी मोटरसाइकिल जो है वो चोरी हो गई है। क्योंकि तो ये कहता था मैंने कहा ठीक, मुझे साइकिल ला कर दो, मुझे साइकिल ला कर दो। तो मैंने कहा साइकिल आपको ला कर देंगे, अब ला कर देंगे। अच्छा, तो फिर मैं वहाँ से आ गया हूँ वापस और यकीन जाने बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने इस मोटरसाइकिल के पैसे इकट्ठे करने में और मुझे तकरीबन 6 से 7-8 महीने लगे हैं मैंने इस मोटरसाइकिल के लिए एक एक रुपया इकट्ठा किया और ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। जब भी कोई परेशानी होती है, किसी भी काम पे जाना होता है तो इसने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, मुझे वहाँ पहुँचाया है। तो मेरी मोटरसाइकिल माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो उसके बाद मैं घर आ गया हूँ रोने धोने के बाद, मैंने ये सोच लिया कि आज गई तो बस अब कहाँ मिलती है, मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ, कंप्लेन क्या करूँगा, तो कंप्लेन से क्या होता है, मेरे ख्याल में तो कुछ नहीं बनने वाला। तो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। उसके बाद कुछ लड़के आए और वो मेरी मोटरसाइकिल को पैदल लेकर आए हुए थे
और कहते हैं यार हमने इसको उधर साइड पे किया है तो आप जो है रोने लगे हो, तो हम आपको देखकर हंस रहे थे। तो मैंने कहा यार ये कोई मजाक नहीं है, इस तरह का मज़ाक आपने क्यों किया है। तो मुझे कहते हैं हाशिम यार आप मर्द हो के ना लड़के हो के रोते हो, लड़कियां तो चलें रोती हैं, आप जो है इस मोटरसाइकिल के लिए रोने लगे हो। तो मैंने कहा ये मोटरसाइकिल मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम है, आपके लिए ये कबाड़े की होगी लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा अहम है। तो मैंने कहा क्यों लड़के नहीं रो सकते, लड़कों का दिल नहीं होता, लड़के इंसान नहीं होते। तो उसके बाद जो है अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मोटरसाइकिल जो है वो वापस आ गई है। और जब मैं रो रहा था तो अभी मैं हम खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे क्योंकि हमारी एक मोटरसाइकिल थी तो वो भी चोरी हो गई। और हमने तो भाई को डांटना शुरू कर दिया, कहने लगे कि आप कहाँ थे, आपकी मोटरसाइकिल जो है चोरी हो गई, आप ख्याल उनका नहीं रख सकते थे। लेकिन ये कहने लगा मैं क्या करूँ, मैं 2 मिनट के लिए अंदर गया हूँ, 2-3 मिनट के लिए, इतनी देर में मतलब मुझे समझ ही नहीं आया। वो मेरे क्लास फेलोज थे, उन्होंने मजाक किया है, मोटरसाइकिल को साइड पे कर दिया है, चाबी तो मेरे पास ही थी। मैंने कहा अगर मतलब जितनी भी जल्दी करें तो चाबी तो मेरे पास थी, वो ऐसे कैसे ले जा सकते हैं। तो लॉक मैंने इसलिए नहीं किया था, मैंने कहा 2 मिनट गोलियां ही लेनी है, टैबलेट लेनी है, उसके बाद मैं चला जाता हूँ। तो मैंने कहा वहाँ पर रुकना था तो वापस आ गया हूँ। तो वहाँ से मैं तो फिर जो है घर आया हूँ तो बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई कि आज मोटरसाइकिल चोरी हो गई और अब मैं वहाँ नई जो है कहाँ से लूँगा। तो ये जिसका मैं साथ देता हूँ ये बैठी है, ये भी मेरे सर पे ना सवार हो गई कि आप किधर थे, आपने जो है मोटरसाइकिल अपनी चोरी करवा ली है। क्योंकि विवाद मुझे पता है ना, जब भी मैं कोई काम भाई को कहती हूँ वही करता है मेरा काम। और मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा हमारे काम आता है, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, इनकी दवाई लेना, इनका हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो मोटरसाइकिल बहुत अहम है हमारे लिए, तो भले पुराना सही लेकिन बहुत अच्छा है वो, तो हमारे बहुत काम आता है। तो आप देख सकते हैं मेरी आवाज़ थोड़ी आपको आज चेंज लग रही होगी, उसकी वजह यह है कि मैं जो है रोता हुआ वहाँ से आया हूँ कि आज मेरी मोटरसाइकिल जो है वो गई। लेकिन इधर करो थोड़ा, तो फिर जो है मैं वहाँ से आ गया हूँ वापस। तो कल हमने आज हमारी जो वीडियो बनानी थी ना वो हमने ये बनानी थी कि कल हमने जो चूल्हा टॉपिक ही चेंज हो गया जब ये मेरे साथ हुआ, तो मुझे तो सदमा होने लगा था कि मोटरसाइकिल मेरी अब मैं कहाँ से लूँगा, बहुत ज़्यादा जो है परेशानी बन गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो जो है मेरी वापस आ गई है मोटरसाइकिल, और कुछ दोस्तों ने जो है मजाक किया है तो उन्होंने फिर जो है मुझे वापस दे दिया। मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ उनसे, मैंने कहा मैंने कभी इस तरह का किसी से कोई मजाक नहीं किया ये, और इस तरह आपने जो है अच्छा नहीं किया हमारे साथ। तो विवाद क्योंकि हर बात जो है आपसे शेयर करते हैं तो हमने सोचा ये बात भी अपने विवाद से शेयर करते बिल्कुल हैं। सही बात है, जोया भी हमारे साथ है, तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।